लाइव खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शैल शुक्ला। आए दिन सुर्खियों में रहने वाले रामपुर के सपा सांसद की मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। एक के बाद एक नए मुकदमे सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में एक नया मामला सामने आया है जहां कोर्ट ने आजम खान समेत तीन लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। दरअसल कोर्ट ने यह समन बीजेपी नेता की शिकायत पर जारी किया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने थानागंज में धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया था। बीजेपी नेता का आरोप है कि आजम खान और तंजीम फातिमा ने जालसाजी करते हुए अपने विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम के दो दो जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखे हैं। अब 3 अक्टूबर को आजम अब्दुल्ला आजम तंजीम फातिमा को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। सपा सांसद आजम अब्दुल्ला आजम तंजीम फातिमा के विरुद्ध कोर्ट ने समन जारी कर दिया है। आजम खान और तंजीम फातिमा, इन दोनों ने अपने बेटे के अब्दुल्ला आजम खान जो विधायक 108 से विधायक है उसके दो जन्म प्रमाण पत्र बनवा रखे थे, एक रामपुर से और दूसरा एक लखनऊ से। इन दोनों जन्म प्रमाण पत्रों की मैंने शिकायत की थी जिसके तहत रामपुर थानागंज में मुकदमा दर्ज हुआ था और अप्रैल में इसमें चार्जशीट लगी थी। अभी ये केस कोर्ट में आ चुका है और 1 तारीख में इन तीनों को समन जारी हुए हैं और 3 अक्टूबर को इनको कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया। तो ये थी रामपुर से हमारे संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए लाइव खबर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।